नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम FYBA की रचना एक बूंद सहसा उछली, यह अज्ञे जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत का अध्ययन हमें करना है। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायनन है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की कशिया गांव के पुरातत्व विभाग की एक खुदाई शिविर में हुआ था। उन्होंने BSc के बाद EMA की कक्षा पूरी की। छात्र जीवन से ही अज्ञे जी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बन गए। अंग्रेज सरकारी विरोधी गतिविधियों के कारण कई साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। सन 1943 में वह कैप्टन के रूप में कोहिमा फ्रंट पर तैनात हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति का अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य किया है। उन्होंने भारत, विशाल भारत, दीनमान, नई प्रतीका, ठाट तथा नव भारत टाइम्स का भी कुछ वर्षों तक संपादन का कार्य किया है। आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नावों में कितनी बार, इस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अज्ञे जी एक सशक्त कवि, समर्थ कवि, कुशल उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। हिंदी की छायावादोत्तर कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में अज्ञे जी प्रयोगवाद तथा नई कविता के प्रवर्तक हैं। उन्होंने क्रमशः तार सप्तक, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा और चौथा तार सप्तक का भी अज्ञे जी ने संपादन किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में तथा उनके उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यह उनके उपन्यास विख्यात है। कहानी संग्रह में त्रिपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, यह महत्वपूर्ण उनकी रचनाएँ हैं। कविता संग्रह में भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा आहेरी, इंद्रधनुष रवणे हुए, अरुओ करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, महावृक्ष के नीचे, नदी के बाग पर छाया, प्रिजन डेंट एंड इंटरप्रोएस अंग्रेजी में, आदि सभी कविता संग्रह अज्ञे जी के प्रकाशित हुए हैं। उनके यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में सबरंग, त्रिशंकु, आत्मने पद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलबाल, ये सभी उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। संस्मरणों में स्मृति रेखा, डायरी में भवंतु, भवंती, अंतरा और शाश्वती, विचार गद्य में संवत्सर और नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी, यह सभी अज्ञे जी की रचनाएं जो हैं वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। आज हमें अज्ञे जी द्वारा लिखित एक बूंद सहसा उछली, इस यात्रा वृत्तांत का अध्ययन करना है। अज्ञे जी कि कई, जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि अनेक गतिविधियों के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ा। उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अज्ञे जी प्रयोगवाद और नई कविता के वह महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में अज्ञे जी ने विभिन्न स्थलों का तथा विभिन्न चेहरों की अविस्मरणीय जो छटाएं हैं उसे उस पर दृष्टिगोचर करने का प्रयास किया है, दृष्टिक्षेप करने का प्रयास किया है।
लेखक कहते हैं कि गोमकड़ी प्रवृत्ति अर्थात सैर करने की प्रवृत्ति जो है, गोमकड़ी एक प्रकार की प्रवृत्ति नहीं, एक प्रकार की कला भी है। देशाटन के समय हमने क्या देखा, क्या पाया, ये देखने वाले पर निर्भर होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि की ओर हम लोग जिस निगाह से देखते हैं, जिस दृष्टि से देखते हैं, उसी तरह की वह सृष्टि दिखाई देती है। और इसीलिए देखने वाले की दृष्टि पर वह सृष्टि कैसी है यह आधारित होता है। लेखक केवल देश में ही यात्रा नहीं करते, तो वह काल में भी यात्रा करते हैं। मतलब वह पुराण की स्थिति क्या है, ऐतिहासिकता क्या है, उस देश की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, लोक जीवन क्या है, इन सभी पर दृष्टिक्षेप करने का जो प्रयास है, ये यात्रा वर्णन के दौरान आज्ञे जी ने किया है। उनके द्वारा इतिहास के अनेक प्रकार की झांकियां सहज रूप में प्रकट होती है। लेखक पर भारतीय संस्कार होने के कारण भारत और भारत की गौरवशाली जो परंपरा है, उन परंपराओं को साहित्य के द्वारा आज्ञे जी ने साकार करने का प्रयास किया है। यात्रा वर्णन में लेखक ने विभिन्न स्थलों के साथ विभिन्न चरित्रों का भी अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। आलोक छुए अपनेपन इस पुस्तक में यूरोप यात्रा का मार्गदर्शन नहीं है। लेखक अपना पाठक संवेदनशील होने की कामना करते हैं। जैसे व्यक्ति भिन्नता होती है, उसी के अनुसार सभी लोगों की संवेदना यह अलग अलग प्रकार की होती है। परंतु पाठक यह उदार मना होना चाहिए। अगर वह उदात्त उनकी प्रवृत्ति है, तो दूसरों के विचारों को वह खुलेपन से स्वीकार कर सकता है, दूसरों के विचारों का वह सम्मान कर सकता है। परंतु उनका अनुभव अगर दूसरों के प्रति अगर खुला नहीं है, तो वह दूसरों के उदात्त विचार ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरों के अनुभवों से उसे क्या प्रलोभन हो सकता है। जीवन के प्रति प्रेम हो तो अनुभव को भी धन के रूप में संचित किया जा सकता है। जीवन के मूल्य ही मानवीय मूल्यों के रूप में प्रस्तापित होते हैं। लेखक के पुस्तक से पाठकों की सदाशयता और सत्ता निर्क्षीर विवेक अर्थात हंस का दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की एक उदात्त भावना उसमें होनी चाहिए। और इसीलिए जो सत्य का सत्य और पानी का पानी करता है, और इसी तरह से हंस का निर्क्षीर विवेक जो है, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि ज्ञान वृद्धि और अनुभव संचयन के लिए देशाटन अत्यंत उपयोगी है, यह बात पुरानी हो गई। साहित्यकारों के लिए देशाटन करना अनिवार्य है, कारण उस यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार का उनका जो अनुभव सृजन है वह व्यापक हो जाता है, और वह व्यापक अनुभव सृजन वह साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। कारण साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, और वह विस्तृत अनुभव का प्रतिबिंब वह साहित्य में प्रतिष्ठित होता है। परंतु यह देशाटन कैसे किया जाए, इसकी कोई शास्त्रीय पद्धति अब तक शास्त्रकारों ने नहीं बताई है। पहले तीर्थाटन किया जाता था, परंतु तीर्थाटन का जो अनुभव है वह अनुभव संचयन न होकर वह पुण्य के लिए किया जाता था, अर्थात उनका प्रयोजन अलग था। साथ ही देशाटन मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का भी एक साधन माना जाता है। जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति, और उस उद्देश्य से भी अनेक प्रकार की जो तीर्थ यात्राएं हैं वह की जाती है। और इसीलिए अनुभव संचयन का जो उद्देश्य है वह गौण हो जाता है। लेखक कहते हैं कि सप्ताह भर का दुनिया का कोई हवाई या तूफानी सफर कर आइए, और किसी संवाददाता को बुलाकर अपने अनुभव का बयान कर दीजिए, ताकि शीघ्र गति से उनकी पुस्तक बनाकर वो समाज के सामने आ जाए, ताकि अपने अनुभव पुराने न हो। बात पुरानी हो जाने पर उसके प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। पुस्तक लिपिक की बजाय
रिकॉर्ड करने वाले जो यंत्र है उस यंत्र के द्वारा भी लिखी जा सकती है, परंतु अपने अनुभव अत्यंत शीघ्र रीति से वह समाज की ओर जाने चाहिए। कारण आज का अनुभव कल पुराना हो जाता है, आज का ज्ञान कल पुराना हो जाता है, और इस दृष्टि से अपने अनुभव वह जल्द से जल्द अगर समाज तक गए, लोगों तक गए, तो उसके प्रति एक प्रकार की जो रुचि है वह बरकरार रहती है, बनी रहती है। लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी की पराक्रमा के लिए निकल जाइए, जिसके लिए 2, 4, 6 साल भी अगर लग जाए तो उसकी चिंता मत कीजिए। कारण प्रारंभ का जो विलंब होता है वह आगे की प्रगति के लिए विशेष भूमिका का काम देता है। यह मार्ग साधु संतों का है। लेखक को यूरोप भ्रमण के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, परंतु वह उससे भी अधिक जो समय है वह उन्होंने दिया। आज के युग में कुछ खोज चलने के बजाय वो कुछ मानकर चलने की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति अधिक बलवती होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए स्वर्गीय आनंद कुमार ने बहुत दुखी होकर इस बात के बारे में कहा था, आप जब विदेश में आए तो वहाँ के लोगों को अनुभव करने का उन्हें अवसर दे दीजिए कि हम पैसों के अलावा कुछ लेने के लिए आए हैं तथा कुछ देने के लिए आए हैं। अर्थात हमारे देश की जो गौरवशाली परंपरा है, हमारे देश की जो उदात्त संस्कृति है, उसका परिचय हम लोगों ने उन विदेशियों को देना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, तथा उनकी संस्कृति तथा उदात्त जो संस्कार है उनका ग्रहण भी करना चाहिए, ताकि वह संस्कार हमारे देश के जनमानस में संस्कारित होने चाहिए। और इसीलिए पैसों के अलावा कुछ अनुभव भी उन लोगों को देना चाहिए और लेना चाहिए। इन अनुभवों का संप्रेषण भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत में रोम यात्रा का अनुभव लेखक ने दोहराया है। वह कहते हैं कि वहाँ जाने में जहाज से या हवाई जहाज से 22 घंटों का समय लगता है। वहाँ से बस से शीघ्र ही रोम शहर में वह पहुँच जाते हैं। रात के समय रोम जो शहर है वह अत्यंत अपूर्व और अत्यंत आकर्षक लगा दिखाई देता है। अंगूर की कटी छटी बेलें हैं, लिलाक की झाड़ियाँ हैं तथा मधुर गंध वाली वहाँ के पेड़ पौधे हैं, पुष्प हैं जो वायुमंडल में भर रहे हैं। स्वच्छ सुंदर सड़कें हैं, मूर्ति शिल्प है, वास्तुकला के तथा वास्तु प्रतिभा के अत्यंत उत्कृष्ट नमूने हैं। नगर के मध्य जल स्रोत बहता है, जहाँ यात्री जल में सिक्का फेंक कर मन्नत मांगते हैं कि फिर उनका रोम में आना हो। साथ ही उत्सुक और चिंतित प्रेमी युगलों की त्रिवेणी पर भीड़ दिखाई देती है। विदेशी यात्रियों की स्मृतियाँ चित्रित करने वाले अनेक प्रकार के फोटोग्राफरों की वहाँ भीड़ दिखाई देती है। रोम शहर की मुड़ती हुई रास्ते, चमकदार ऊंची नीची गलियाँ दिखाई देती है। विभिन्न स्थापत्य शैलियों के मकान उनके सौंदर्य का अनोखा रूप उस रोम शहर में दिखाई देता है, जो लेखक को बहुत ही प्रभावित करता है। रोम के पहले ही लेखक ने इटली के विभिन्न शहरों की गलियाँ, विशेषकर फिरेंजे अर्थात फ्लोरेंस, पेरुजिया, असोसी आदि इटली के या मध्य इटली के सभी प्राचीन शहरों की गलियों में पैदल घूमकर भटक कर वहाँ उन्होंने बहुत से समय बिताया, बहुत से घंटे उन्होंने बिताए। इसी प्रकार पेरिस में पैदल घूमकर वहाँ के जीवन का अनुभव करने का प्रयास भी उन्होंने किया। इसी प्रकार पेरिस की गलियों में जेनीवा, बेना, बॉन्सकॉट, होम आदि पुराने शहरों में भी, पुराने भागों में भी उनकी गलियों में लेखक ने सफ़र किया है और वहाँ के जीवन का अनुभव उन्होंने लिया है। उन्हें अंगारों सा, भगवान सा,
तथा अकेला सा वहाँ का जीवन दिखाई देता है। यूरोप में ऐसे ही व्यक्तियों से उनका संपर्क हुआ, सहयोग हुआ, जिनके द्वारा समाज की स्थिति हो या जीवन की परिपाटी हो, परंपरा हो, उनका उदात्त परिचय हो जाता है। लेखक इटली का भी वर्णन बहुत सुंदरता के साथ करते हैं। इटली के मध्ययुगीन नियमित अलंकृत उद्यानों का सौष्ठव एक ढंग का है, फ्रांस की सजीली विधियों का दूसरे ढंग का है, इंग्लैंड के खुले हरियाले पार्कों का वह दूसरे ढंग का है, तथा जर्मनी के जो वन उद्यान है उनका स्वरूप या उनका सौंदर्य यह अलग ढंग का है। भारत में पेड़ पौधों की पूजा तो कर लेते हैं, परंतु सहज भाव से उन पेड़ों को तथा पौधों को पनपने नहीं देते। गाय हो तथा बकरी हो, उनके द्वारा पेड़ खाने से उनका सहज जो विकास है वह विकास नहीं होता। इटली के सरू और मोर पंखी के जो पेड़ है वह अत्यंत आकर्षक है, साथ ही वहाँ के प्रेमी विनोद है, जीवनातुर संगीत वहाँ का मुखर होता है। श्रृंगार रुति लोगों के बीच मोर पंखी पेड़ों की तरह अत्यंत सुशोभित है। लेखक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों का जो जीवन है वह विलंबित लय से चलता है। पश्चिम का जीवन अत्यंत द्रुत गति से चलता है तथा भारत में आलाप लेने में ही यहाँ का समय खो जाता है। इटली कुछ धीरे धीरे चलना पसंद करता है। रोमी लोग अत्यंत जल्दबाजी में होते हैं और जल्दबाजी में होने के कारण खड़े खड़े होते ही रहकर ही वह खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विश्राम उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और इसीलिए वहाँ के दफ्तरों की लंच की जो छुट्टी होती है वह अत्यंत छोटी होती है। वह काफ़ी देर तक काम करते हैं। वह लोग कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप में सुबह खाने पर ही जीवन की दौड़ प्रारंभ होती है और काफ़ी रात तक वह जो समय है वह चलता रहता है। लेखक का अनुमान है कि यूरोपीय देश के जो लोग हैं वह 6-7-8 घंटों तक पैरों में खड़े होकर वह काम करते हैं। खड़े रहकर ही वे नाश्ता करते हैं, खड़े रहकर ही बस हो या ट्राम हो उसमें सफ़र करते हैं। अतः बैठकर विश्राम करने से उनका काफ़ी समय जो है वो व्यतीत होता है। खड़े रहकर वो काम करते हैं और इसीलिए लेखक व्यंग्यात्मकता से कहते हैं कि यंत्रों ने उन्हें खड़े रहने की जो सुविधा है वह प्रदान की है। अर्थात यंत्रों के कारण मनुष्य का जीवन भी यंत्रवत हो जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लेखक ने प्रस्तुत यात्रा वर्णन में विभिन्न देशों की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का, खान पान का, आचार विचारों का, प्राकृतिक सौंदर्य का, दैनिक जीवन का, वहाँ के लोगों का, उनके चरित्र का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया है। यात्रा वर्णन में विभिन्न देशों की जीवनमान जो है उनका तुलनात्मक चित्रण एवं उनका सौंदर्य अंकन जो है वो अत्यंत खूबी के साथ यह आगे जी ने किया है। अर्थात यह प्रस्तुत जो यात्रा वर्णन है उसमें यात्रा वर्णन का विवेचन किया गया है। घुमक्कड़ी अर्थात सैर करना एक प्रकार की वह कला है। घुमक्कड़ी कला देखने की दृष्टि पर निर्भर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का परिचायक वह होता है। साहित्यकार के लिए देश के साथ साहित्यकार काल में भी प्रवेश करता है। भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतिपादन यहाँ इस यात्रा वर्णन में लेखक ने किया है। पाठक की जो संवेदनशीलता है उनका चित्रण किया है। मानवीय मूल्यों का चित्रण किया है। विभिन्न स्थलों का, चरित्रों का चित्रण किया है। पाठकों की सदाशयता का चित्रण किया है। निर्णय विवेक ज्ञान वृद्धि तथा अनुभव का चित्रण उन्होंने किया है।
ज्ञान एवं अनुभव संचयन के लिए देशाटन का चित्रण किया है। देशाटन की कार्य पद्धति किसी शास्त्रकारों ने नहीं बताई है, उसका चित्रण उन्होंने किया है। तीर्थाटन के लिए पुण्य संचयन के उद्देश्य से वह किया जाता है, अतः लेखक ने यहाँ जीवन का यथार्थ एवं वास्तविक चित्रण अत्यंत तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, जो यात्रा वर्णन के लिए या यात्रा के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।